आपको केवल उसको रिन्यू करना है उसके अंदर से बेसिक चीजें जो नए सब्जेक्ट में मतलब नए सेमेस्टर में मिली है आपको वो आपको फिल करना है उसके अंदर जैसे कि सब्जेक्ट है मेजर माइनर वोकेशनल को करकुला तो फिल हो ही जाएगा उसके बाद में कुछ चीज चेंज करने हैं एंड आपको चेक करना है कि आपका नंबर है और नहीं हो तो आपको फिल करना है जो कि आपके रिजल्ट में आया होगा मैं आपको बता दूं ये आपके रिजल्ट में दिख रहा होगा जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट मिला है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें फिल करेंगे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा जैसे आप लॉग पासवर्ड करते हैं तो सब्जेक्ट सब खुलने लगेंगे अब ये सब्जेक्ट कैसे भरे जाएंगे बस इसी बात को मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले अपने कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करा रहे हैं क्योंकि क्या है कभी कोई फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट को चेंज कराता है तो वो ही कोई दूसरा कॉलेज सेकंड सेमेस्टर में चूज करा लेता है तो इसीलिए दिक्कत ना हो इसलिए आपको पहले ही बताया गया था कि अपने कॉलेज में जाकर इंफॉर्मेशन ले लीजिए मैं आपको दिखाऊंगा देखिए कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बंद कर दिए गए हैं तो आप अगर आप उनका चेंज करते हैं तो फिर दिक्कत होने लगेगी क्योंकि तो वो यहां पर दिखने लगे तो लेकिन अब क्या है आप कैसे कैसे चेंज करेंगे तो देखिए मैं उसकी लिस्ट भी दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से देखिए आप देख रहे हैं ना पे यहाँ पे देखिए माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन सी लिस्ट खुल रही है इसी तरह से मेजर में भी यहाँ पे और देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट में भी एक लिस्ट खुलने को आ रही है तो आप कौन सा ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए आपको जो आप चयन करेंगे वो आपके कॉलेज का होगा तो इसलिए सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन में यही मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने से पहले अपने कॉलेज के संदर्भ में ये बात पूरा ज्ञात करा दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट आपको पूरा का पूरा विस्तार से जानकारी मिल जाए उसके बाद ही आप भल करिए देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक कॉलेज का नोटिफिकेशन निकला है उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि भाई सब ऐसे ऐसे करना है मतलब ये जो आपका सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर में आप बच्चे ये भरेंगे वोकेशनल के रूप में मेजर के रूप में माइनर रूप में यहाँ पे सिक्स सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सभी क्लियर कर दिए गए हैं तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे कि देखिए कुछ यहाँ पे साफ साफ देखेगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ही वो बंद हो गए हैं तो उनका चयन ना करें इस बात का ध्यान रखें देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ लिखा है कि चौदह मार्च से स्टार्ट हो गए अब ये क्या क्या फॉर्म भरने हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्नातक द्वितीय सेमेस्टर बी ए बी कॉम बीएससी ठीक है सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को वोकेशनल के रूप में यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लेकिन ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार ध्यान से सुनिए आप अन्यथा ना ले जाइए कि अपने खुद ही भर दीजिए ये जिस कॉलेज का है ना उस कॉलेज के स्टूडेंट के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है ऐसे ही आपके कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में कौन सा भरवाया जा रहा है वोकेशनल सब्जेक्ट वो आप उनसे पूछ लीजिए देखिए यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे पूछा है वोकेशनल के लिए व्यवहारिक हिंदी

तो फिर ये कॉलेज स्तर से सुधारा जा सकता है ये मानते हैं लेकिन फिर भी आपको पता है कि प्रॉब्लम तो हो नहीं है वो सुधार कब खुलेगा कब उसके करेक्शन की डेट खुलेगी उसके बाद में सुधार किया जाएगा तो दिक्कत होगी देखिए यहां पर साफ साफ कर दिया गया है कि कौन कौन से सेमेस्टर से लेकर फोर्थ फिफ्थ सब में साफ साफ कर दिया गया देखिए यहां पर दिखा दें ऑप्शनल सब्जेक्ट है के रूप में यहां पर अगर बात करें सिक्स सेमेस्टर की तो यहां पर दिख रहा है मेजर सब्जेक्ट रूप में एक विषय इंडस्ट्रियल टीचिंग एंड रिसर्च सर्वे वाला रिपोर्ट जो है वो यहां पर सिलेक्ट करना होगा तो इस तरह से देख लीजिए और उन्होंने अपना पूरा नोटिस लिख दिया कि भाई सब जो लास्ट टाइम की आपकी मार्कशीट है वो लेके आएंगे उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी एंड उसके बाद में फीस रसीद कॉलेज की वो लेके आनी है तो इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो आपकी आप फॉर्म के साथ में सबमिट करेंगे और जिसका लास्ट डेट मैंने आपको बताया था कि इकतीस तारीख तक भरना है उसके बाद में आपको जमा भी कर देना है तो समय रहते भर दीजिए क्या फ़ायदा उससे कि जो एक्स्ट्रा फीस जाए और फॉर्म प्रॉपर खुलने लगे हैं फीस के लिए मैंने आपको बता दिया कि फीस जब भी कटवाएं जब आपका प्रॉपर इंटरनेट चल रहा हो फॉर्म तभी भरें और बाकी ये चीजें हैं ना इनोलैंड नंबर वगैरह इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये संशोधन में दिक्कत देंगे ऐसा नहीं कि संशोधन ही होते लेकिन इनोलैंड नंबर के लिए तो फिर आपको एमजीबी एमजीबीविटी जाना पड़ेगा सब्जेक्ट वगैरह में कोई दिक्कत होती है तो फिर कॉलेज में अब ये नहीं पता कि भाई कॉलेज वाले सही करें या नहीं करें जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए उनको बता दीजिए कि देखिए फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है वो आप ले लें थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट कमेंट थी सपोर्ट